इस अध्याय में हम चुनाव के बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है इसका अध्ययन अब करने जा रहे हैं अर्थात संविधान में मूलभूत कौन कौन से नियम डाले गए हैं इसे अब समझने की कोशिश करेंगे तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बिंदु पर और वह है भारत में चुनाव व्यवस्था इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया और फिर आगे शीर्षक देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली जिसे अंग्रेजी में कहा गया है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये हमारे भारत की चुनावी व्यवस्था को हम कह सकते हैं यदि कोई सवाल उठता है कि भारत की चुनावी व्यवस्था लोकतंत्र में कैसी है कौन सी प्रणाली है चुनाव की हम अपनाते हैं तो हमारा उत्तर एक लाइन में होगा कि हम अपनाते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम वाली प्रणाली या हम अपनाते हैं सर्वाधिक वोट से जीत की वाली प्रणाली इसके मायने ये हुए चुनाव की कई प्रणालियां हैं हम दूसरे देशों में क्या प्रणालियां अपनाई जा रही हैं इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर जो विषय का दायरा है बहुत बढ़ जाएगा हम आते हैं भारत में जो प्रणाली है जिसे फर्स्ट पास द पोस्ट या सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली कहते हैं उसका अध्ययन करने जैसा कि नाम से स्पष्ट है सर्वाधिक वोट से जीत मतलब जिसे सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीत गया वो प्रतिनिधि बन गया बड़ी सीधी सरल भाषा अधिक देशों में अधिकतर देशों में यही प्रणाली है सर्वाधिक वोट से सर्वाधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है प्रतिनिधि घोषित किया जाता है चाहे कनाडा हो अमेरिका हो संयुक्त राज्य अमेरिका भारत इन देशों में और भी बहुत से देशों में यही प्रणाली प्रचलित है इसके मायने क्या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सर्वाधिक वत सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसे सबसे ज्यादा मत मिला वो बहुमत बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुमत मिलने वाले व्यक्ति को प्रतिनिधि घोषित किया गया ऐसी प्रणाली यह जो प्रणाली है आमतौर पर प्रत्यक्ष चुनाव में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में इसका प्रयोग करते हैं जहां एक को चुनना है और प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हूं पर भारत की स्थिति में तो यहां प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन हाँ प्रतिनिधि का चुनाव प्रत्यक्ष हो रहा है तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली या बहुमत वाली प्रणाली अपनाई जाती है अब ये जो अंग्रेजी में भी जो शब्द है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इसका क्या अर्थ है पोस्ट का अर्थ पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट नहीं है पोस्ट अर्थ आप समझ लीजिए खंभा अर्थ होता है खंभा दूसरा अर्थ अंग्रेजी में

खंभे को जो पहले पार कर वह जाए वह विजयी होगा अर्थात जो सबसे ज्यादा मत पाए वह विजयी होगा तो मैंने आपको फर्स्ट पास द पोस्ट की व्युत्पत्ति एटिमोलॉजी भी आपको समझाने की कोशिश की है और इसका अर्थ बताया है कि पास्ट का अर्थ क्या है और पोस्ट का अर्थ क्या है और इसमें जो पहला आया वह विजयी और ये वाली जो प्रणाली है उन जगहों में सामान्यता होती है जहाँ पे एक प्रतिनिधि चुनना है या जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनना है वहाँ पे इसका उपयोग करते हैं इस प्रणाली में चुनाव क्षेत्र से खड़े सभी उम्मीदवार उनमें जो सबसे ज्यादा पाएगा वो जीत जाएगा चाहे उसे कितने भी मत मिले हों लेकिन विजयी घोषित किया जाएगा चाहे उसे कितने भी मत क्यों ना मिले हों उसे विजय घोषित किया जाएगा अब इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ ये हुआ कि कल्पना करिए पांच उम्मीदवार एक जगह से हैं या आपकी कक्षा में क्ला कक्षा प्रतिनिधि का चुनाव होना है कक्षा मॉनिटर का कक्षा में चालीस बच्चे हैं पांच लोग चुनाव में खड़े हुए हैं चालीस बच्चों ने मतदान किया उसमें बारह बच्चों ने या चौदह बच्चों ने एक को मत दिया तेरह बच्चों ने दूसरे को मत दिया बारह बच्चों ने तीसरे को मत दिया बचा एक मत चौथे को मिला और पांचवे को एक भी मत नहीं मिला तो जो सबसे ज्यादा मत जो मिला उस, उसको कितने मत मिले चौदह चौदह मत मिले कक्षा के चालीस बच्चों में चौदह मत सबसे ज्यादा एक बच्चे को मिले क्या वह कक्षा प्रतिनिधि चुना जाएगा चालीस में चौदह को मिला चालीस में चौदह मत ही मिले उसको ऐसी स्थिति में क्या उसे कक्षा प्रतिनिधि चुना जाएगा उत्तर है हाँ जो प्रक्रिया भारत में अपनाई गई है या अमेरिका में या कनाडा में वहाँ पर जिसे भी सबसे ज्यादा मत मिले हों भले ही वे मत कितने भी कम क्यों ना हों लेकिन सबसे ज्यादा हूँ तो वह प्रतिनिधि चुना जाएगा चालीस में केवल चौदह ने मत दिया यानी आधे से भी कम लोगों ने उसको मत दिया फिर भी वह कक्षा प्रतिनिधि चुना गया ये एक चुनावी प्रणाली है ऐसी कई प्रणालियाँ। हूँ इस चुनावी प्रणाली को जिसका मैंने उदाहरण अभी दिया उसको कभी कभी जो सबसे आगे वही जीते हिंदी में कहा जाता है जो सबसे आगे वही जीते सामान्यतः 100 मीटर की दौड़ जो है उसे 13 या 14 सेकंड में जो स्कूल के विद्यार्थी पूरा करते हैं उस दौड़ को सामान्यतः उस एन बोल्ट जो विश्व में 100 मीटर की दौड़ में सबसे तेज धावक माना जाता है वो 8.7 सेकंड, 9 सेकंड में पूरा कर लेता है लेकिन स्कूल के विद्यार्थी तेरह चौदह सेकंड, बारह तेरह सेकंड करते हैं कल्पना करिए एक दौड़ हो रही है उसमें स्कूल के विद्यार्थी जो सबसे आगे था उसने बीस सेकंड में पूरा किया वह दौड़ कितने सेकंड में बीस सेकंड में जो कि सामान्य स्पीड से पाँच सेकंड ज़्यादा थी ज़्यादा टाइम लिया उसने पाँच सेकंड ज़्यादा टाइम लिया तो क्या वो विजयी घोषित होगा उत्तर है हाँ क्योंकि वह सबसे आगे है बाकी ने तो 22 सेकेंड 24 सेकेंड 26 सेकेंड लिए उसने तो 20 लिया इस नियम के तहत उसे विजयी घोषित किया क्योंकि वह सबसे आगे है जो सबसे आगे वह विजयी चाहे उसे 14 मत मिले चाहे 50 परसेंट मिले चाहे पूरे के पूरे 100 के 100 मिले सबसे आगे जो भी वह विजयी इसे कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली या फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली हमारे संविधान में इसी सिस्टम को स्वीकृति दी गई है चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो ये समझना बहुत ज़रूरी है भारत में ये जो प्रणाली अपनाई गई है उसमें कुछ बातें आपको जानना चाहिए और स्पष्ट हो जाएगा पहला कि भारत में इसकी विशालता इतनी है कि भारत को पाँच निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है पूरे भारत को पाँच निर्वाचन क्षेत्रों में अर्थात हर क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा और वो प्रतिनिधि कौन चुनेगा उस क्षेत्र के लोग ही एक प्रतिनिधि चुनेंगे कश्मीर का आदमी कन्याकुमारी का प्रतिनिधि नहीं चुनेगा रायपुर का निवासी जबलपुर का प्रतिनिधि नहीं चुनेगा रायपुर का निवासी रायपुर का प्रतिनिधि चुनेगा जबलपुर का निवासी जबलपुर का चुनेगा बिलासपुर का निवासी बिलासपुर का चुनेगा तो पूरे देश को ऐसे कितने भागों में बांट दिया गया है पांच भागों में जिसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं तो पाँच निर्वाचन क्षेत्र मतलब पाँच प्रतिनिधि चुने जाते हैं हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि कोई सा निर्वाचन क्षेत्र बड़ा है या ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वहाँ एक से ज़्यादा प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ ये हो सकता है कि एक ही शहर में दो निर्वाचन क्षेत्र हों। शहर एक लेकिन निर्वाचन क्षेत्र दो यदि शहर बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र तय होता है और यदि उसकी जनसंख्या एक सीमा से ज्यादा है तो वहाँ दूसरा प्रतिनिधि बम्बई में सात आठ प्रतिनिधि चुने जाते हैं पर वो सब प्रतिनिधि बम्बई के प्रतिनिधि नहीं कहलाते एक प्रतिनिधि का निर्वाचन क्षेत्र बम्बई ईस्ट होगा एक का निर्वाचन क्षेत्र बम्बई वेस्ट होगा एक का निर्वाचन क्षेत्र बम्बई साउथ एक का निर्वाचन क्षेत्र बम्बई नॉर्थ आदि आदि तो इस बात को स्पष्ट समझ लें कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि एक शहर से एक प्रतिनिधि नहीं एक निर्वाचन क्षेत्र से और एक शहर में एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं वहां की जनसंख्या के आधार पर यह तय होता है तीसरा बिंदु प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो निर्वाचित घोषित ये बात पहले मैंने स्पष्ट कर दी तो दोबारा इस पर विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं और जो निर्वाचित घोषित होगा जरूरी नहीं कि हाँ उसे पचास प्रतिशत से ज़्यादा मत मिले हों मैंने जैसे बारंबार पूर्व में कहा बहुमत ना भी मिले हो लेकिन चूंकि सबसे ज़्यादा मिले वह विजय घोषित वह प्रत्याशी उम्मीदवार अब प्रतिनिधि बन गया अब हम एक नज़र थोड़ा उन्नीस के परिणामों की ओर डालें उन्नीस का परिणाम बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं है कि उन्नीस का परिणाम पहली बार वैसा आया ऐसे परिणाम कुछ कुछ क्षेत्रों में हर बार आते रहे लेकिन उन्नीस में ये पूरे नेशन वाइड स्केल में देखा गया और उन्नीस का उदाहरण आपकी शंकाओं को बहुत हद तक दूर कर देगा इसलिए ये उदाहरण लिया जा रहा है इसमें देखिए उन्नीस के चुनाव होते हैं लोकसभा के तो कांग्रेस पार्टी को पाँच सीटों में से यानी कांग्रेस पार्टी को पाँच में से 415 प्रतिनिधि उसके आते हैं मैंने आपको बताया एक चुनावी क्षेत्र से एक प्रतिनिधि तो पूरे देश में कितने चुनावी क्षेत्र हुए पाँच सौ जगहों में चुनाव होते हैं बहुत से उम्मीदवार खड़े होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में और हर क्षेत्र से एक एक उम्मीदवार जीतता है जब जीते हुए उम्मीदवारों पर नज़र डाली गई तो देखा गया कि पाँच जो विजयी उम्मीदवार हैं उसमें पाँच सौ उम्मीदवार ऐसे जो एक दल के हैं दल का नाम कांग्रेस यानी जो कांग्रेस थी उसको कुल सीटों का 80 प्रतिशत सीट मिल गई 543 में 415 सीटें 415 प्रतिनिधि उसके अर्थात 80 प्रतिशत प्रतिनिधि उसके कभी भी लोकसभा में लोकसभा के चुनाव में कभी भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला भारत में किसी भी दल को पहले और न आज इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी इसके मायने क्या इस चुनाव से क्या पता लगता है पहली बार कांग्रेस पार्टी को तीन चौथाई सीट मिली कितनी सीट मिली तीन बटा चार अर्थात यदि हम एक गोले को चार भागों में बांटे तो तीन भाग में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे मात्र एक छोटा सा भाग एक बटा चार भाग जिसमें अन्य दलों के प्रतिनिधि को जोड़ा जा सकता क्या इसका अर्थ यह है कि हर पांच भारतीय नागरिक में से एक ने कांग्रेस को वोट दिया सामान्य स्थिति में यही होगा कि हर पांच में से एक नागरिक ने एक मतदाता ने हर पांच में से एक मतदाता ने कांग्रेस को वोट दिया ऐसा नहीं है ये यह बात यहां स्पष्ट करना चाह रहे हैं जो नीचे अभी अब आप देखेंगे इसमें कांग्रेस पार्टी को 48 प्रतिशत वोट मिले अर्थात हर सौ में अड़तालीस लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया मतलब हर दूसरे व्यक्ति ने लगभग कांग्रेस को वोट दिया इसका अर्थ ये हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें 48 प्रतिशत लोगों ने कांग्रेस को वोट डाला लगभग हर दूसरे व्यक्ति ने कांग्रेस को वोट डाला ये बात हमें लेकिन पार्टी को तो 80 प्रतिशत सीट मिली तो ऐसा कैसे हो गया मतदाता पचास प्रतिशत से भी कम उसके पक्ष में लेकिन सीटें या प्रतिनिधि अस्सी प्रतिशत से ज्यादा ये चीज को समझना बहुत जरूरी है और इसको समझाने के लिए तालिका की ओर आपको जाना जरूरी होगा दूसरे दलों का भी प्रदर्शन इसको देखें भाजपा को तो सात दशमलव चार प्रतिशत मत मिले कितना मिला सात दशमलव चार प्रतिशत मात्र और सीटें एक प्रतिशत से भी कम एक प्रतिशत से भी कम सीटें भाजपा को मिली तो इसके क्या मायने तो उन्नीस के लोकसभा चुनाव में प्रमुख दलों के प्राप्त वोट और सीटों पर अब पूरे चार्ट पे अब हम थोड़ा नजर रखें और ये देखिए आपके सामने ये चार्ट है कांग्रेस 48 प्रतिशत वोट मिले और सीटें कितनी हो गई 415 यानी 80 प्रतिशत से ज्यादा भाजपा को 7.4 मिलता है बस मतों का प्रतिशत सीटें मात्र दो उन्नीस में भाजपा को दो सीटें मिली थी आज भाजपा के पास 303 सीटें उन्नीस में कांग्रेस को 415 मिली थी आज भाजपा के आज कांग्रेस के पास बावन सीट है ऐसे जनता पार्टी लोकदल माँ कपा तेलुगु देशम और अन्ना द्रमोक द्रमोक अकाली दल असम परिषद ये सब आप देख रहे हैं इसमें एक चीज आप देखिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है भाजपा को सात प्रतिशत से ज्यादा मिलता है लेकिन दो सीट वहीं जनता पार्टी को भाजपा से कम प्रतिशत मिलता है जनता पार्टी को भाजपा से कम मतदान का प्रतिशत मिलता है लेकिन उसकी सीटें कितनी दस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उसे जनता पार्टी से भी कम मिलता है क्या चीज कम मिलती है लोगों का मत जनता का मत पाँच दशमलव सात प्रतिशत जनता मात्र इतनी जनता उनको वोट देती है लेकिन माँ कपा के प्र कितने प्रतिनिधि जीते बाईस प्रतिनिधि भाजपा सात प्रतिशत वोट के बाद भी केवल दो प्रतिनिधि कितना बड़ा विरोधाभास या क्या बात है क्या इस तालिका में कुछ गलती है या चुनाव परिणामों में कुछ गलती थी ऐसा नहीं है यही बात यहाँ स्पष्ट करना चाह रहे हैं असम गण परिषद को देखिए इस तालिका में जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है असम गण परिषद उसे मात्र एक प्रतिशत वोट मिला लेकिन सीटों की संख्या सात वहीं अकाली दल को भी एक प्रतिशत मिला लेकिन सीटों और सीटों की संख्या सात इसका अर्थ ये मत निकाल लीजिएगा निष्कर्ष कि एक प्रतिशत वोट मिलने पर सात सीटें मिलती हैं ऐसा नहीं है हो सकता है एक प्रतिशत मिलने पर कुछ भी ना मिले और एक प्रतिशत मिलने पर दस सीटें मिले ये कब क्यों कैसे होता है इसको हम आगे समझेंगे पर अभी आप इसको अच्छी तरह ये समझने की कोशिश करिए कि वोटों के प्रतिशत का सीटों की संख्या से कोई संबंध नहीं दूसरे शब्द में वोटों के प्रतिशत का प्रतिनिधियों की संख्या से कोई संबंध नहीं किसी एक दल के प्रतिनिधि की संख्या से कोई संबंध नहीं तो ये उन्नीस सौ चौरासी के चुनाव का कुछ दलों का यहां पर आंकड़ा आपके सामने आगे और विस्तार से इस पे जब हम चलेंगे तो आपको और स्पष्ट होगा और आप सोचने लगेंगे कि क्या हमारी चुनावी प्रक्रिया में कुछ सुधार की जरूरत है क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी अभी जो देख रहे हैं इस चार्ट को इससे क्या कुछ लेसन मिलता है जिसमें हम अपनी चुनावी प्रक्रिया को और लोकतांत्रिक बना सकें आदि आदि एक प्रतिशत मत पाकर भी सात सीटें मिलना और सात प्रतिशत मत पाकर भी दो सीटें मिलना एक प्रतिशत मत पाकर सात सीटें कैसे मिली थोड़ा सा इसको समझे। एक प्रतिशत मतों की संख्या समझ लीजिए एक लाख मत हुए एक प्रतिशत मत यानी एक लाख मत हुए कुल जो मत डाले गए उसका एक प्रतिशत ये एक लाख मत सात उन सीटों पे बटे हैं जहाँ पे अकाली दल पहला अकाली दल के उम्मीदवार जीते अब ये एक लाख मतों को यदि हम सात सीटों में बांटते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग मतों की संख्या होगी कहीं बीस हजार कहीं तीस हजार कहीं दस हजार कहीं पंद्रह हजार और इस प्रकार सात जगह उनको अलग अलग संख्या में मत मिले लेकिन समझने की बात ये है मत तो इतने मिले लेकिन इन सात सीटों में इतने मत मिलने पर उनको पहला स्थान मिला इसके मतलब ये कि दूसरे कैंडिडेट जो इन सात सीटों पे थे दूसरे उम्मीदवार जो इन सात सीटों पे थे वे अकाली दल के इन उम्मीदवारों से पीछे थे उनको उससे कम मत मिले अब ये सात सीटें चूंकि उनके उम्मीदवार पहले स्थान पर थे सात सीटों के मतों का योग किया जाए तो एक ही प्रतिशत आता है वैसे विजय घोषित करने के लिए मतों का योग नहीं किया जाता लेकिन केवल आपको यह समझाने के लिए कि मत और सीटों की संख्या में कोई संबंध नहीं है ज्यादा प्रतिशत का मत होते हुए भी आपके सीटों की संख्या कम हो सकती है और मत का कम प्रतिशत होते हुए भी आपकी सीटें ज्यादा हो सकती हैं ये बात यहाँ पर स्पष्ट है इस चुनाव में कांग्रेस को फर्स्ट पास द पोस्ट जो मैंने बताया था उसके कारण जीत हासिल हुई क्योंकि 415 जगह पे उसको सबसे ज़्यादा मत मिले थे हर क्षेत्र में 415 सौ पंद्रह लोकसभा क्षेत्रों में उसे हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत मिले थे लेकिन इन सब के मतों को जोड़ा जाए तो उसका औसत प्रतिशत 50 से कम है 48 प्रतिशत है कांग्रेस को मतों के अनुपातों में कहीं बहुत ज़्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि ये जो 48 प्रतिशत मत हैं ये विभिन्न क्षेत्रों के हैं और 415 क्षेत्रों में कांग्रेस कितना भी मत पाई हो वो आगे रही अन्य उम्मीदवारों से आगे रही ये अधिक सीटें इसलिए मिली क्योंकि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में उनके प्रत्याशी खड़े थे वहां उसे भले ही 50 प्रतिशत से कम मत मिला हो लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम मिला उस जगह पे उन जगहों में अलग अलग देखा जाए तो इसीलिए सबसे ज्यादा मत पाए व्यक्ति को विजय घोषित किया गया जबकि अन्य पार्टियों के यदि मतों को जोड़ा जाए तो उनका प्रतिशत जीतने वाले प्रत्याशी को मिले मतों के प्रतिशत से अधिक है कांग्रेस को 48 प्रतिशत मिले अन्य दलों अन्य प्रत्याशियों के सभी मतों को जोड़ें तो कितना होगा बचा हुआ सौ में अड़तालीस यदि कांग्रेस को गया तो बचे हुए बावन प्रतिशत मत अन्य दलों के उम्मीदवारों को मिले कल्पना करिए यदि कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में केवल एक ही दल और रहता तो जनता के सामने दो ही ऑप्शन थे कांग्रेस या दूसरा दल कांग्रेस को यदि अड़तालीस प्रतिशत मिलते तो दूसरे दल को जो उस समय एक ही था उसे बावन मिलते और ऐसी स्थिति में अड़तालीस प्रतिशत होते हुए जो पार्टी अभी सरकार बनाई इस चुनाव में उन्नीस के वह विरोधी दल की होती वह ऑपोजिशन में बैठती और बावन प्रतिशत वाला एक दल यदि होता तो उनकी सरकार बनती ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बावन प्रतिशत किसी एक दल को नहीं मिले बहुत दलों के बहुत सारे उम्मीदवारों को निर्दलियों को भी मिलाकर ये उनका प्रतिशत है इस प्रणाली में हारने वाले प्रत्याशी को जो वोट मिले रहते हैं वो बेकार जाते हैं बेकार का अर्थ उसने हारे हुए प्रत्याशी को मत दिया तो हारे हुए प्रत्याशी के साथ ही उसके मत भी बेकार होगा उसकी गिनती विजयी कैंडिडेट्स में नहीं होती